नमस्कार। क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। 7 कह रहा है, थ्री कैपेसिटर्स आप कैपेसिटेंस 2 पिको फैरेड, 3 पिको फैरेड एंड 4 पिको कनेक्टेड इन पैरेलल। व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंसेस कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन? डिटरमाइन द ईच चार्जेज ऑन ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड 200 वोल्ट सप्लाई। तो सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा C1। टोटल कैपेसिटेंस लेते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 प्लस C3। तो अब C1 की वैल्यू 2349 पिको फैरेड हुआ। पैरेलल कॉम्बिनेशन में प्रॉपर्टी होती है कि जितने भी हमारे कैपेसिटेंस होते हैं, कैपेसिटर होते हैं, सब में पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होता है, बट चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर आर डिफरेंट। चार्ज जितने भी कैपेसिटर होंगे उस पर चार्ज हो डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिल गया। हम टोटल चार्ज कैलकुलेट कर लेते हैं, क्यू इक्वल टू सी इंटू वी। अब यहाँ से हमको क्यू इक्वल टू 9 × 10⁻²⁰ इंटू 100। अब ये जो 9 × 10⁻²⁰ है, ये 1 पिको इक्वल टू होता है 10⁻²। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमको मिलेगा 9 × 10⁻¹० कूलाम। ये हो गया। अब हमको निकालना है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो हम पहले चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर फाइंड कर लेते हैं। तो Q1 इक्वल टू C1V। C1 वोल्टेज तो सबके लिए सेम होगा, केवल C1 लेना है। तो 2 पिको फैरेड 2 × 10⁻¹², इसमें 100 को मल्टीप्लाई करेंगे, हमको रिजल्ट मिलेगा इतना, 2 × 10⁻¹². अब Q2 हम C2V करेंगे, 3 × 10⁻¹², 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 3 × 10⁻¹². इसी तरह से सिमिलरली हम इसको ले लेते हैं, Q3 इक्वल टू C3V, और ये हम 4 × 10⁻¹² कर लेंगे इंटू 100। तो फाइनल हमको मिल जाएगा Q3 इक्वल टू 4 × 10⁻¹². ये हो जाएगा। अब ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखिए इसको ऐड करें 2, 3, 4, तो हमको टोटल उतना ही मिलेगा, 9 × 10⁻¹². 9 × 10⁻¹². तो फाइनल हमको वही मिलने वाला है।